विभेद में पड़ा हुआ समुदाय, अन्याय में पड़ा हुआ समुदाय, राज्य से हर समय भेदभाव किया हुआ समाज, जब तक उन्हें हम ऊपर नहीं उठाएंगे, ये प्रदेश, ये पालिका, ये मुलुक समृद्ध नहीं बन सकता है। ये मुलुक के रहने, मुलुक में रहने वाला ये नेपाली, यहाँ के रहने वाला वो तमाम मधेशी, वो तमाम दलित मुस्लिम, ये सुखी और खुशी नहीं हो सकता है। भाषण में सिर्फ यहाँ के नागरिक खुशी और सुखी नहीं बन सकते हैं, मुलुक समृद्ध नहीं बन सकता है। मुलुक को समृद्ध बनाने के लिए हमें काम करना होगा, मुलुक को समृद्ध बनाने के लिए हमें यहाँ के युवाओं को रोजगारी देना होगा, मुलुक को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ के शिक्षा नीति को बदलना होगा, मुलुक को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ के स्वास्थ्य के नीति के बदलना होगा, मुलुक के समृद्ध बनाने के लिए यहाँ जो हमारे लाखों युवा आज खाड़ी मुलुक में दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा, आवश्यकता ये मुलुक के विकास में लगाना होगा। आज क्या हो सकता है, आज क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर प्रदेश सरकार कर क्या है? प्रदेश सरकार शुरू से ही मेरा मानना है कि दुनिया के समृद्ध मुलुक के इतिहास देखिए, जो जो यूरोप अमेरिका में जाइए वहां महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं होता है। महिला का जितना अधिकार है पुरुष का उतना ही है। पुरुष का हमारे समाज में कागज में बहुत सारा अधिकार है महिलाओं के लिए, जब व्यवहार में अधिकार के बात आता है तो हम अपने घर में ही खीस अधिकार नहीं देते हैं। भाषण में बहुत लंबा लंबा बात करते हैं लेकिन जब व्यवहार आता है तो व्यवहार में हम नहीं करते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार शुरू से ही लगा है कि जब तक हम शिक्षा में जोड़ नहीं देंगे, सब लोगों के हम लोग शिक्षित नहीं बनाएंगे। अमीर है वो इसलिए वो शिक्षा हासिल किया, हम गरीब हैं हमें शिक्षा कौन देगा, हमें शिक्षा प्राप्ति करके क्या होगा, ये हमें समझना होगा। गरीब हो या अमीर हो, झोपड़ी में रहने वाला है या महल में रहने वाला हो, ये राज्य के दायित्व बनता है उन सबों को शिक्षा देना, सबों को तालीम देना, सबों को उनकी रोजगार के गारंटी करना, उनकी रहने का पास का गारंटी करना, उनकी हर सुरक्षा का गारंटी करना राज्य का दायित्व तो होता है। लेकिन हम देखें तो कहां है। इसलिए प्रदेश सरकार छोटा सा आपसे एक प्रयास शुरू किया है कि जब तक हमारे समाज में हम सब हैं, हम देखते हैं जो गरीबी के वजह से हम बेटा और बेटी दोनों का नहीं पढ़ा पाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं पढ़ा कर क्या होगा, वो भैंसी चराने, बकरी चराने, सिलाई करने इधर उधर में लगा देते हैं। ये बेटा कुछ कमाएगा तो घर का घर खेती चलेगा, परिवार चलेगा, लेकिन वो पढ़कर क्या करेंगे उनका सोच रहता है। राज्य सरकार लगा है उनको पढ़ने के बाद उनकी सरकारी जागीर देगा, राज्य सरकार उनको हाथ में सीट देना चाहता है, राज्य सरकार उन्हें तालीम देना चाहता है, राज्य सरकार ये मुलुक के सक्षम नागरिक बनाकर मुलुक के विकास में, प्रदेश के विकास में लगाना चाहता है। राज्य सरकार ये करना चाहता है, राज्य सरकार के सोचे है। इसलिए हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया है। ये अभियान क्या है, आज माघ एक गते से ये प्रदेश में जन्मने वाली सारे बेटी लखपति बन चुकी है। माघ एक गते से जन्मने वाली ये प्रदेश के भीतर जितना बच्ची है वो बच्ची के अकाउंट में आपको सिर्फ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रभु बैंक नजीक के होगा तो प्रभु बैंक के गार्जियन आप खोजिए, वहां जाइए, आपके घर घर में हमारा वॉलंटियर आएंगे और वो आपको ले जाएंगे बैंक तक, वो आपके कागज ले जाएंगे, फिर आपके घर में वो कागज पहुंचाकर जन्मी हुई बच्ची को लखपति बनाने के कागज देंगे। वो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सिर्फ आपको ये आपका धनी है इसलिए हुआ है नहीं, झुप्पड़ी में रहने वाला, ये झुप्पड़पट्टी में रहने वाला या महल में रहने वाला, चाहे जो भी हो, जहां भी बेटी जन्मी है वो ये प्रदेश के सारे बेटी लखपति बन चुकी है। मागे गते से जन्मने वाला है।
ये प्रदेश सरकार नीति लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मार्फत सारे जन समुदाय को अपील करना चाहता हूं कि आपके बेटी जन्मी है गांव में तो उसको कहिए कि हमें रास्ता कायम करे, हमें जानकारी कराए, प्रभु बैंक में जाए और प्रभु बैंक उसको लखपति का एक पत्र देगा। इसलिए 1,25,000 हमारी सोच है, जल्दी भी हो, लेकिन नेपाल का कानून है कि 20 वर्ष पहले आपको बेटी को आपको विवाह नहीं कर सकते, कानून तो जुल्म है। इसलिए अब आने वाला दिन में बहुत सारा लोग शादी नहीं करेंगे, बहुत सारा लोग सोचते हैं जो बेटी को पढ़ाएं। अब चिंतन कुछ बढ़ा है, सोच बढ़ा है, अगर फर्दर एजुकेशन के लिए अगर उनकी आवश्यकता पड़ता है तो उसमें भी प्रदेश सरकार सहयोग करे। प्रदेश सरकार अगर बेटी को कुछ हो जाता है तो उसको भी आर्थिक सहयोग मिलेगा, माँ बाप भी कोई इंतकाल हो गया, कोई गुजर गया तो उनका भी, बेटी गुजर गई तो माँ बाप को पैसा मिलेगा। ये सारे स्कीम है और मुझे लगता है का इस 75-76 के आर्थिक वर्ष में हम लोगों ने 14,000 साइकिल वितरण करने का नीति लिया है। 8 कक्षा में पढ़ने वाली 14,000 बच्ची को हम लोग साइकिल दे रहे हैं। ये चौथा कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग थके भी हैं, ये चौथा कार्यक्रम है, पांचों है, हाँ ये पांचों कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग थके भी है। बोलना थोड़ा अब ये लग रहा है, आज हमारे मंत्री जी लोग चुनावी सभा करा रहे हैं तो हम लोग लगे। इतना ही नहीं, आपको हम लोक सेवा के कक्षा संचालन करनी है। यहाँ के लड़की, यहाँ के बच्ची जो पढ़ ली गई इंटरमीडिएट बैचलर मास्टर डिग्री का कर, उनको जागीर नहीं है, वो कैसे सक्षम बनेगी, कैसे काबिल बनेगी, उनको हम तालीम देंगे। इतना ही नहीं, ये आर्थिक वर्ष से ऐसे तो हम आर्थिक वर्ष में 100 सामुदायिक विद्यालय में हम लोग छात्रा शौचालय शुरू कर रहे हैं। छात्रा शौचालय करीब करीब बनने के क्रम में है, कुछ समय लगेगा, अभी ये बनने के क्रम में, ये आर्थिक वर्ष में भी कुछ बनेगा कि बहुत सारा बच्ची सब उसको ड्रॉप आउट होता है, इसलिए कि वहाँ उसको शौचालय नहीं रहता है। मेरा सोच है करीब करीब सारे विद्यालय में शौचालय बने और सारे जिला का जितना गांव पालिका वार्ड है सारा ODF घोषणा हो, ये हमारा नीति है, ये नीति के तहत हम लगे हैं। इतना ही नहीं, मैं कहूं ये आर्थिक वर्ष से हो सकता है हमारे पैसा कितना संभव हो सकता है, मेरा सोच है कम से कम इस आर्थिक वर्ष में 8 जिला में 8 तो स्कूल सिलेक्शन किया जाए। वो ये अरबों का प्रोजेक्ट है, एक कक्षा से लेके आपको 8 कक्षा तक पढ़ने वाली खास करके अति विपन्न दलित और मुस्लिम के बच्चियों को, चूंकि मुस्लिम के वो HBI में देखिएगा तो उनका जो शिक्षा का जो स्तर देखिएगा, मुस्लिम और दलित में खास फर्क नहीं है, वही सही। इसलिए अति विपन्न मुस्लिम और दलित के बच्चियों को 1 कक्षा से 8 कक्षा तक पढ़ने वाली को महीना के 500 रुपया उनको छात्रवृत्ति देने का, यानी वर्ष में वो 6,000 रुपया 1 कक्षा में पढ़ने वाली दलित और मुस्लिम के बच्ची 8 कक्षा तक महीना के 500 रुपया उसको मिलेगा। ये प्रदेश सरकार का नीति है, प्रदेश सरकार शिक्षा में इस किस्म से लगा हुआ है। बहुत सारा हमारा स्कीम है, मेरा एक ही चीज मानना है। उतना ही नहीं, ये पहला प्रदेश है 7 प्रदेश में, यानी नेपाल में देखा जाए ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण किया गया है, 50% सीट को आरक्षण किया गया है। यहाँ का हेड सर ने बताया कि हमारे 750 बच्ची है, अब बच्ची का टेंशन करने के बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ये प्रदेश सरकार ये जिम्मा लिया है कि बेटी को कैसे काबिल बनाए, सक्षम बनाए, बनाया जाए और उनके लिए सरकारी जागीर को कैसे उनको दिया जाए, ये नीति लिया है। इतना ही नहीं, आप देखिएगा हम लोगों का ये सोच है कि 50% आरक्षण, आप देखिएगा प्रहरी एन हम लोग ले आए हैं, निजामती सेवा, प्रादेशिक निजामती सेवा के गठन करके हम लोग अगाड़ी बढ़ रहे हैं। हम लोग लोक सेवा करीब करीब एन पास एन बनने वाला है, हम लोग बहुत जल्द ही प्रहरी भरना करेंगे, मेरा एक मानना है, अभी नहीं,
अभी तो खैर इंस्पेक्टर तक मिलेगा, असही पुलिस में महिला को मात्रा 50% है, आरक्षण में 50%। आप देखिएगा कि आने वाला दिन में 10 बरस 15 बरस में कम से कम 8 जिला में 2-3 जिला में हमारी बीच के हमारे बेटी आपको देखेगी, एसपी मिलेगा, डीएसपी मिलेगी, इंस्पेक्टर मिलेगी। आप देखिएगा यहाँ के लड़की वो काबिल, उनको बनाना है। प्रदेश सरकार वो मिशन लेकर चल रहा है, प्रदेश सरकार के मानना है। आपका ऑफिसर में जाइएगा, बहुत सारा जिला के कार्यालय में यहाँ के लड़की, यहाँ के बेटी, वहाँ के ऑफिसर मिले। प्रदेश सरकार का ये नीति है। इसलिए ऐसा ही दलित के संदर्भ में भी है। मेरा मानना है कि 18% समुदाय ये दलित है यहाँ पर, लेकिन उनके साथ भेदभाव करने वाला, पीड़क को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने का हम लोग दलित सशक्तिकरण विधेयक मिले। अगर दलित के बेटी बेटा अगर पढ़ना चाहता है, उस शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए पढ़ने के लिए, खाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकार करेगा, उनका शिक्षा के गारंटी, उनका स्वास्थ्य के गारंटी और सरकारी जागीर में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गारंटी प्रदेश सरकार लेने वाला है। क्योंकि कि सबसे नीचा पौदान पर रहा हुआ दलित, वही स्थिति हम लोगों का अन्य शिक्षा के संदर्भ में भी है। इसलिए चाहे वो कैसे, वो समुदाय कैसे आगाड़ी बढ़े, ये समुदाय के कैसे विकास हो, ये समुदाय के कैसे एक आगाड़ी बढ़े, इसमें प्रदेश सरकार गंभीर है। ऐसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, रोजगारी के समय आपने सुना होगा, मधेस आंदोलन का एक मिशन था, मधेस आंदोलन का एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य ये था कि यहाँ के युवाओं को सरकारी जागीर देना, यहाँ के युवाओं के राज्य सत्ता में भागीदारी कराना, यहाँ के युवाओं को शासन सत्ता में उनकी सहभागिता कराना, ये मधेस आंदोलन का पहला था। इसीलिए हमारे बीच के स्वयं कहिएगा मधेसी योद्धा अपने कुर्बानी दिया, अपने बलिदानी दिया। ये पहला प्रदेश है, शहीद के मैटर में जाइएगा तो जितना ये प्रदेश के भीतर शहीद हुए हैं, उनकी घर में, उनकी घर के परिवार के एक एक परिवार को जागीर प्रदेश सरकार दिया। ये पहला प्रदेश है। आपने बहुत सारा प्रदेश बहुत आंदोलन में देखे होंगे, लेकिन वो आंदोलन में आप कहीं भी आंदोलन में घर परिवार का जागीर गांड खाई थे, बुलेटिन जोड़ को हमने उनके 3 लाख से लेके आपको 50,000 तक दिया, वो हम लोग कैटेगरी बनाए। आने वाला दिन में ये देने वाला क्रम जारी है, ये हम लोग सहयोग करेंगे, वो आंदोलन के घाइते का हम लोग सहयोग करेंगे। जागीर के गारंटी करना, आपने सुना होगा, मीडिया में पढ़ा होगा या पत्रिका में पढ़ा होगा या सुना होगा कि 4 दिन पहले प्रदेश सरकार के मुखिया के हैसियत से मैं सिग्नेचर किया कि 3 बरस में यहाँ करीब करीब 42,000 युवाओं को हाथ में सीप देना, हाथ में उनकी सीप देना, उनको जागीर देना, एक गारंटी प्रदेश सरकार का जिम्मा में हुआ। अब आपको एक और बता दूं, यहाँ जो विदेश जाते हैं, हमारे बीच के लोग जाते हैं, वो विभिन्न साहू महाजन से और 40 रुपया 35 रुपया पर 30 रुपया पर वो ब्याज लेते हैं। वहाँ जाते हैं, उनका चिंता रहता है कि मेरा घर खेत ए जो पैसा दिया है वो ले ले। अब उपरांत ये प्रदेश से खास करके जो विदेश जाएंगे उनके लिए बिना धीतो प्रदेश सरकार उनके ऋण उपलब्ध कराएगा और बैंक में उनको पैसा आएगा, क्रम से कुछ कुछ पैसा उनको धीरे धीरे वो कट जाएगा। उन्हें साहू महाजन को उनका जो ऋण देने वाले होते हैं उनको ब्याज नहीं तिरना होगा। प्रदेश सरकार एक नीति लिया है। ऐसे बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारा हाथ में इल्म देने का बात हो रहा है, प्रदेश सरकार वो एग्रीमेंट कर चुका है। प्रदेश सरकार अभी ये आर्थिक वर्ष में कम से कम प्रहरी निजामती सेवा में अन्य सेवाओं के लिए उनको थाई भरना करके अगाड़ी बढ़ने के करार में आवश्यकता पड़े तो इंजीनियर डॉक्टर और अन्य सेवा में भी हम लोग भरना करके जाएंगे। दुर्भाग्य यही है कि आज के दिन में जैसे शिक्षक के समस्या है, बहुत सारा हमारे बीच के अस्थायी शिक्षक है अभी जॉबलेस बन चुके हैं, उनके देखने वाला कोई नहीं है, वो कहाँ है उनकी पता नहीं, उनको हटा दिया। मेरा शुरू से मानना था उनको इस तरह उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए,
इस तरह उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं सेटल करना चाहिए। एक जो प्रक्रिया से हुआ, राहत क्या करार अस्थाई विभिन्न प्रक्रिया से हुआ, ठीक है, वो प्रक्रिया ही गलत था, लेकिन जो सेटल हुए हैं 10 बरस 15 बरस से लोग लगातार काम कर रहे थे, उनको बीच में हटा दिया गया, बिल्कुल ये अन्याय हुआ है। प्रदेश सरकार अभी के स्थिति में कहीं भी संघीयता में जो मुलुक है, ये मास्टर उस संघ के अंडर में नहीं रहता है, लेकिन बहुत बहाना से प्रदेश कमजोर हो, संघीयता कमजोर हो, वो क्या कर दिया, स्थानीयता में दिया है, वो भी बागडोर किसी का हाथ में वो पता नहीं है, कौन चलाता है वो गॉड जानता है, यहाँ कौन किससे निर्देशित है पता नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय भी अभी संघ के अंडर में, क्या मुलुक में संघीयता इसी का नाम है। दुर्भाग्य यही है, मैं बार बार हर मंच से कहता हूं एक बात की, दुर्भाग्य हमारी संघीयता के लिए दुर्भाग्य है, कल तक संघीयता को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कल तक संघीयता को नहीं पचाने वाला, कल तक संघीयता के विरोध में पीस भमन करने वाला, आज संघीयता कार्यान्वयन करने का जगह पर है। आज उस संघीयता विफल हो असफल हो संघीयता कारण में न हो उनकी षड्यंत्र है, वो जानते हैं जब संघीयता सफल हो जाएगा। मैं मेयर साहब यहीं पर है, कल का पालिका सब करीब करीब 10 लाख 20 लाख ऐसे खर्च नहीं मिलता था, आज 500 करोड़ इनको मिल रहा है, वो संघीयता का देन है कि मेयर साहब चाहे प्रदेश हो इनको करोड़ों रुपया दे रहा है, मिल रहा है निश्चित रूप से। अगर मुल्क में संघीयता नहीं हुआ रहता तो मेयर साहब लोग का जो अधिकार है भी नहीं मिलता, प्रदेश तो रहवे नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य हमारी यही है कि कल तक संघीयता के विरुद्ध में बीस वमन करने वाले लोग आज संघीयता कार्यान्वयन करने का जगह में है, उनको संघीयता नहीं पच रहा। इस आर्थिक वर्ष में हमें 3 अरब कम पैसा दिया गया, 3 अरब कम पैसा दिया गया, यानी संघीयता में विकास का मतलब क्या होता है, वो संघीय सरकार वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े वो नीति तैयार करने वाले, लेकिन आप जाइएगा तो गांव पालिका तक का बजट वो भेजते हैं, नगर पालिका में भी उनका प्रभाव रहता है, मतलब संघीयता का जो मूल